मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मेगा लवली टेल से आपके सामने फिर से एक नए वीडियो एक नए ब्लॉग के साथ। आज है हमारा डे टू। तो आज का डे टू स्टार्ट हुआ था मॉर्निंग में एक मॉर्निंग वॉक के साथ, उसके साथ कुछ छोटी मोटी हमारी ब्रेकफास्ट की शॉपिंग हमने की और उसके बाद होटल पर आकर हम तैयार हुए थे। बहुत सारी चीज़ें करने वाले आज। तो आज है डे टू ऑफ स्विट्ज़रलैंड टूर, तो चलिए मेरे साथ आप भी इस चीज़ों को एंजॉय करते रहिए। गाइज, हम रुके हैं ग्लेडब्रुक सेंटर में जहाँ पर हमारी होटल है। तो यहाँ से हम लेने वाले बस लेकर हम जाएंगे ग्लेडब्रुक स्टेशन और स्टेशन से हम लेंगे ज़ुरिक के लिए ट्रेन। तो बस ये हमारा एक शॉर्ट जर्नी रहेगा, तो बस आप इसको भी एंजॉय करिए मेरे साथ साथ। और हम अब ले रहे हैं बस, तो मैं आपको वो बस स्टॉप भी दिखा रही हूँ, उसके साथ साथ जैसे ही स्टेशन पर पहुँचेंगे तो आपको मैं स्टेशन भी दिखा दूँगी। गाइज, ये देखिए बस मेरे पीछे, ये 768 है लेकिन हमें पकड़नी है 762 और उसके टाइमिंग यहाँ पर लिखे है 22 मिनट्स के बाद वो आएगी। तो बस हम वेट कर रहे हैं बस स्टॉप पे हमारी बस के लिए। दूसरी एक बात, यहाँ पे क्रॉसिंग का बहुत अच्छा है। अगर आप छोटे बच्चों को लेके भी क्रॉस कर रहे हो तो गाड़ियाँ रुकती है आपके लिए, या अगर आप अकेले भी क्रॉस कर रहे हो तो गाड़ियाँ रुक। और ये है ज़ुरिक ऑर्लिकॉन स्टेशन। सो यहाँ से हम ले गए ट्रेन जाने के लिए ज़ुरिक मेन स्टेशन जाने को। गाइज, हमने डिसाइड किया था 7762 बस पकड़ने का, लेकिन वो 17 मिनट्स लेट थी, तो 5 मिनट्स में हमने दूसरी बस ले ली जो थी 768, जो हमें लेकर आई ज़ुरिक ऑर्लिकॉन स्टेशन। तो यहाँ से हम ले गए ट्रेन मेन स्टेशन के लिए, ज़ुरिक मेन स्टेशन। सो गाइज, अब हम पकड़ रहे हैं यहाँ से ट्रेन और ये है मेरी ट्रेन जो जाएगी ज़ुरिक मेन स्टेशन। कर रहे हैं लुजेन, तो लुजेन जा रहे हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या क्या चीज़ें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ चलिए इन चीज़ों को एंजॉय करिए। सो गाइज, ये है हमारी लुजेन की ट्रेन पीछे, तो बस इस ट्रेन को हम लेंगे ये 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे। इट डिपेंड्स कि आपको टाइम टेबल देखना पड़ता है, बोर्ड पे इनके टाइम टेबल लगे हुए रहते हैं, सो उस हिसाब से आप ले सकते हो। तो यहाँ पे हमें लुजेन के लिए ट्रेन मिल गई है यहाँ से 6 नंबर प्लेटफॉर्म से। तो बस ये है मेरी ट्रेन, इससे हम जाएंगे लुजेन। Nothing that can pull us under. You wanna take the pain away, but know that I was born as a fighter. Guys, मैं पहुंची हूँ अब लुसेन और यहाँ से हम अब एक्सप्लोर करने वाले हैं लुसेन सिटी को। देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें घूमने जैसा, और आप देखिए कि कितना क्राउडेड है ये एरिया, क्योंकि ये बहुत ही फेमस स्पॉट है टूरिस्ट के लिए भी और लोकल्स के लिए भी, क्योंकि से बहुत सारे स्पॉट्स हैं जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ हम देखते हैं हमें लुसेन में क्या क्या चीज़ें मिलती है देखने के लिए और एंजॉय करने के लिए। गाइज, ये है सिटी ट्रेन लुजेन की, यहाँ पे सिटी टूर करवाते हैं आपको पूरे लुजेन का। तो इस ये आपके स्विस पास में इंक्लूडेड नहीं होता, अगर आपको ये भी घूमना है तो आपको अलग से इसकी टिकट निकालनी होती है। गाइज, अभी मैं हूँ लुजेन के कैपल ब्रिज पे और ये आपको मेरे पीछे जो दिख रहा है ये पूरा है वो कैपल ब्रिज, तो यानी हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है लुजेन का। तो हम अब अंदर से इसको एक्सप्लोर करेंगे। ये लुजेन का सबसे पुराना ब्रिज है और ये बना हुआ है वुडन ब्रिज, और इसे लोग विजिट करने ज़रूर आते हैं, जो भी टूरिस्ट आते हैं ज़रूर देखते हैं। इसका आर्किटेक्चर जो अंदर का है वो देखने लायक है, तो बस देखते हैं अंदर का आर्किटेक्चर कैसा है। कैपल ब्रुक ब्रिज ये अराउंड 1360 में बनाया गया था, यानी ये ब्रिज करीब करीब 700 साल पुराना है। 1993 में किन कारणों के वश आग लगने की वजह से ये ब्रिज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था।
एक ही साल में स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने इसे वापस 1994 में रिस्टोर कर दिया। ब्रिज की खास बात यह है कि इसमें 147 पेंटिंग्स थी जिन्हें 17th सेंचुरी में हांस वेगमान ने बनाया था। 147 पेंटिंग्स में से उस आग में करीब करीब 100 पेंटिंग्स कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और बाकी की 47 पेंटिंग्स डैमेज हो चुकी थी। पर उन 47 में से यहाँ के लोगों ने 30 पेंटिंग्स वापस रिस्टोर कर ली थी। इस ब्रिज की ओरिजिनल लेंथ अराउंड 250 मीटर्स थी जब इसे बनाया गया। रिवर की लेंथ को एडजस्ट करते हुए अभी ये अराउंड 207 मीटर्स का है। ये ब्रिज कम्प्लीटली वुड से बना हुआ है। सिर्फ 8 जो नीचे के स्पैन्स है वो स्टोन के है, बाकी ये कम्प्लीट ब्रिज पूरा वुड से बना हुआ है। इस ब्रिज को लग के ही एक बड़ा वाटर टावर है। ये वाटर टावर इस ब्रिज से अराउंड 30 इयर्स पुराना है। गाइस, आपको जो ब्रिज को लगकर जो टावर दिख रहा था वो टावर को लग के ही एक सोविनियर शॉप है जहाँ पर आपको स्विट्जरलैंड के सारे सोविनियर आइटम्स भी मिल जाएगा। तो अगर आप शॉपिंग करना चाहते हो सोविनियर चीज़ों की तो आप यहाँ से शॉप कर सकते हो। एक गिफ्ट शॉप जैसे ये शॉप है। गाइस, स्प्रिंग सीजन होने की वजह से स्विट्जरलैंड में आप कोई भी जगह जाओ आपको इतने सुंदर और इतने प्यारे फ्लावर्स दिखेंगे, और इसलिए ये ब्रिज को लगकर भी ये लोगों ने बहुत अच्छे फ्लावर्स लगाए, बास्केट्स लगाए जिसमें आपको बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स देखने मिलते हैं। तो बस इसका भी आप व्यू लीजिए और एंजॉय करिए। मैं हूँ इस ब्रिज पर। ये ब्रिज हमें लेके जाएगा लुजेन ओल्ड टाउन की तरफ। तो बस हम जा रहे हैं अभी ओल्ड टाउन को देखने के लिए। तो चलिए आप भी मेरे साथ इसे देखिए। गाइस, ये है लुजेन का ओल्ड टाउन का लेन। तो बस इस गलियों को हम अब एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे। और ये देखिए, ये ऊपर है वर्ल्ड क्लॉक टावर। तो ये पुराना लुजेन है। तो बस इसे देखने आए हैं, सारे टूरिस्ट ये देखने आते हैं। कुछ अलग चीज़ है लुजेन में घूमने के लिए, तो चलिए देख। लुजेन का होल टाउन एक हिस्टोरिक कार फ्री जोन है जिसमें काफ़ी सारे नैरो एलीज और लेन्स है। इस ओल्ड टाउन में दो इम्पॉर्टेंट टाउन स्क्वायर्स है। पहला वाला है वाइन मार्क्ट और दूसरा वाला है म्यूलन प्लाट्स। वाइन मार्क्ट, जिसका मतलब होता है वाइन मार्केट, ओरिजिनली एक फिश मार्केट था अप टिल द 16th सेंचुरी। जो वुडन मार्केट को डिमोलिश करके जो आज का ये जो टाउन स्क्वायर है आपको दिख रहा है, इसे कंस्ट्रक्ट किया गया इन अराउंड 1841। इसके बीच में वाइन मार्क्ट फाउंटेन है जो अराउंड 1481 में कंस्ट्रक्ट किया गया था बाय कॉनराड लुक्स। दूसरा टाउन स्क्वायर है वो है म्यूलन प्लाट्स। इसका नाम पड़ा है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे मिल्स हुआ करते थे मिडिल एजेस में ड्यू टू द विसिनिटी ऑफ द रिवर। ये लुजेन का लार्जेस्ट हिस्टोरिक टाउन स्क्वायर है जिसका एरिया अराउंड 1500 स्क्वायर मीटर्स है। यहाँ पे पहले एक टेरेस ऑफ हाउसेज रहते थे जिन्हें लेट मिडिल एजेस में डिमोलिश कर दिया गया। गाइज, यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है और शॉपिंग मार्केट भी है। तो बस इस तरह से आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। कपड़े, बैग्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी। गाइज, ओल्ड लुजेन हम घूम के आ गए, अब रुके यहाँ पर, वेट कर रहे हमारी क्रूज़ के लिए। ये जो क्रूज़ स्टेशन है यहाँ पर आपको 1 नंबर से स्टार्ट होते हैं जो स्टेशन, वो 7 नंबर तक रहते हैं और काफ़ी क्रूज़ और बोट्स यहाँ पर आती है।
लेकिन हमारी जो क्रूज है वो आएगी नंबर 3 स्टेशन पे, क्योंकि हमें राउंड ट्रिप लेनी है, हम जाकर रिटर्न वापस आ जाएंगे, 1 घंटे का राउंड ट्रिप है, तो बस वो हमारी आने वाली है विद इन 20 मिनट्स, तो उस क्रूज को लेंगे और पूरा लुजेन घूमेंगे, तो आप भी मेरे साथ इस लुजेन की मजा लीजिए। मैं हूँ लुजेन में, जहाँ पर मैंने ली है क्रूज, जो है 1 आवर की राउंड ट्रिप है, ये हमें लेके जाएगी पूरे राउंड ट्रिप में लुजेन के, और उसके बाद फिर से रिटर्न हमें स्टेशन के पास छोड़ेगी। सो ये राउंड ट्रिप हम एंजॉय कर रहे हैं, तो आप भी मेरे साथ इसे एंजॉय करिए। ये हमारा राउंड ट्रिप यहाँ से मतलब हाफ वे हो गया है। ये जो स्टॉप है क्रिस्टनडॉर्फ, होप आई एम प्रोनाउंसिंग राइट, सो क्रिस्टनडॉर्फ से अभी इसका रिटर्न ट्रिप होगा, जो अगेन हाफ एन आवर रहेगा, रिटर्न टू द लुजेन स्टेशन जहाँ से हमने ये क्रूज ली थी। बट सी द सीनरी, लिटरली लोग और जो टूरिस्ट आए वो सब पागल हो रहे हैं सिर्फ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के लिए। इट्स सच अ ब्यूटिफुल प्लेस, लाइफ में एक बार ज़रूर स्विट्ज़रलैंड घूमिए फ्रेंड्स, एंड अगर बजट ट्रिप करना चाहते हो तो ये पूरा ट्रिप मैंने जो किया है वो बजट ट्रिप है। आई एम यूजिंग ओनली ट्रेन्स, ट्राम्स, बसेस, और बहुत कम बजट में हमारी ये ट्रिप हो रही है और बहुत ही अच्छी हो रही है। तो ये सारे डिटेल्स भी मैं एक वीडियो में अलग से आपको बता दूँगी, लेकिन इट्स रियली रियली वर्थ कमिंग टू स्विट्ज़रलैंड। अब हम क्रूज़ घूम के आ गए, पूरा व्यू लिया, इतना ब्यूटीफुल व्यू था, बहुत ही एंजॉय किया। बस अब जा रहे हैं हम लुजेन स्टेशन की तरफ, और फिर वहाँ से हम जाएंगे ज़ुरिक। गाइस, लुजेन करने के बाद हम निकले ज़ुरिक, तो ज़ुरिक से हमने लिए ट्रेन, अब पहुँचेंगे हमारे होटल। सो बस आज का दिन हमने बिताया पूरा लुजेन में, और आपको भी घुमाया। होप आपने मेरे इस वीडियो को आज के एंजॉय किया होगा, मेरे व्लॉग को एंजॉय किया होगा। तो इस वीडियो पर एंड करते हुए फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।